ये बिहार विधानसभा के सत्र शुरू होने से ही पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने का प्लान भी तैयार कर लिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सरकार पर हमला किया है। मुद्दा जातीय जनगणना को उठाया गया और पूछ लिया है कि इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात की जा रही है तो फिर बुलाई क्यों नहीं जा रही। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी ने सिर्फ इसी मुद्दे पर सरकार को नहीं घेरा बल्कि शेष दर्जे की मांग के सवाल पर भी सरकार पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने पूछा है कि सीएम नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा किससे मांग रहे हैं, क्योंकि जिससे मांग रहे हैं वो तो उनके साथ सरकार में शामिल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो साफ पल्ला झाड़ चुकी है और फिर उनका आगे का स्टैंड क्या है वो क्लियर करें। तो आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें, आखिर वो किससे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो सत्र से पहले तेजस्वी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। जातीय जनगणना के मसले पर भी सरकार को घेरा है। सर्वदलीय बैठक में देरी क्यों हो रही है ये भी सवाल खड़ा किया है। देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मंशा जो है वो ठीक नहीं है। जब हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर के निकले थे तो मैंने एक बात कहा था, ये नेशनल इंटरेस्ट में, जिस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी दोहराया था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि राष्ट्रहित में, यानी नेशनल इंटरेस्ट में, तो देरी किस बात की भाई। और हम सब लोग विशेष राज की बात करते हैं, ये लोग मांग किससे रहे हमको तो अब तक समझ में नहीं आ रहा। और इन्हीं के केंद्र सरकार के लोग कहते हैं पार्लियामेंट में कि बिहार सरकार जो है खर्च नहीं कर पाती, बजट का पैसा नहीं खर्च। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल है उन्होंने क्या कहा कि बजट का पैसा भी नहीं खर्च कर पा रहे। तो अपना ही लोग जो है एक दूसरे का उजागर कर रहे हैं कमियां, तो बिहार हित में तो है नहीं मामला। मामले पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सुनिए किस दल ने क्या कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने लगातार केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो उन पर दबाव बनाया हुआ है। जातीय जनगणना पूरे विधान मंडल से पारित है कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दे करके जातीय जनगणना बिहार सरकार अपने खर्चे से कराएगी, इसके बाद भी टाल मटोल कर रहे हैं। ये विशेष राज्य का दर्जा जो है ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मसला है, पर बिहार की राज्य सरकार इस बात को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रही है। वो अपनी प्रशासनिक अक्षमताओं को छुपाने के लिए विशेष राज्य के मुद्दे को बार बार उठा रही है। जानवरों की भी जनगणना हो सकती है, वहां पर आदमियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती। अगर आदमियों की भी जनगणना होगी, जातियों की भी जनगणना होगी तो हम उस सरकार को मदद मिलेगी और उस हिसाब से सरकार अपनी स्कीमें बनाएंगी ताकि उन लोगों को उसका फायदा मिले। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार कृत संकल्पित है, एक आम सहमति भी जिस पे बनी है। मुझे लगता है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है कि बिहार सरकार अपने खर्चे पे जातिगत जनगणना करवाएगी, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जो है जातिगत जनगणना होगी। और मैं विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना हो, यह एक आम सहमति से हम लोगों ने निर्णय लेने का काम किया है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा पूरी सही है, वो बिहार के हित के लिए काम कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपने आधार वोटों को प्राप्त करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आंदोलन की थी, राज्यपाल को ज्ञापन हमने दिया था, लेकिन आप ये मेरा ये कहना है कि ये दोनों मिल करके गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, मैं तो ये कहूंगा कि दोनों की ही मंशा ठीक नहीं है। और इस पर अगर उनकी मंशा ठीक नहीं है मुख्यमंत्री जी की,
तो ठीक है, लेकिन इस पर अगर इनकी मंशा ठीक है तेजस्वी जी की, तो ये क्यों नहीं आंदोलन पर कर। जातिगत जनगणना सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उठाया हुआ मुद्दा है, जिसे जनता और देश के विकास के मुद्दे से लेना नहीं है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर हमें जाति जानने की जरूरत पड़ रही है कि जाति के आधार पर गरीब कौन है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं हो सकता है। तो अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक बार फिर से एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि दो ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर एक बार फिर से एक्टिव तेजस्वी यादव। नहीं, स्वाभाविक तौर पर कास्ट सेंसस को लेकर के तेजस्वी यादव या फिर कहें आरजेडी और जेडीयू के सुरहेख थे। हालांकि ये बात अलग थी कि बीजेपी इस मामले पर तैयार नहीं थी। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि अगर केंद्र सरकार इनकार करती है तो स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने बदौलत कास्ट सेंसस कराएगी, और अब इसी मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड था, ओमिक्रॉन का दायरा बढ़ रहा था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जब मामला शांत होगा तो उसके बाद मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, और नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि सर्वदलीय बैठक की जाएगी और उसमें आम सहमति बना करके फिर आगे कास्ट सेंसस की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, अभी तक काफ़ी दिन हो चुका है, अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है, और अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें सर्वदलीय बैठक हो कास्ट सेंसस के इशू पर। क्योंकि आपको याद होगा कि दो ऐसे मुद्दे हैं, कास्ट सेंसस और स्पेशल स्टेटस, दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच में जबरदस्त विरोधाभास है। तो ऐसे में आम सहमति बनाना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और हाल के दिनों में आपने ये भी तस्वीर देखी होगी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में दूरियाँ काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का जब एक स्टेटमेंट आया, नीतीश कुमार को असली समाजवादी बताया था, तब उसके बाद से माहौल बिल्कुल बदल सा गया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच में गतिरोध ना के बराबर जैसा अभी दिख रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई कास्ट सेंसस का जब मामला सामने आएगा तो क्या बीजेपी जेडीयू के रास्ते पर जाएगी, क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? क्योंकि जब मामला सर्वदलीय बैठक पर जाएगा तो क्या सर्वदलीय बैठक में बीजेपी सपोर्ट करेगी? क्योंकि बीजेपी की साफ तौर पर सोच है कि कास्ट सेंसस होने के बाद कहीं ना कहीं जाति मतभेद उभरेंगे, जातीय उन्माद उभरेंगे और समाज का माहौल बिगड़ सकता है, ये बीजेपी की सोच है। लेकिन इससे इतर जेडीयू और आरजेडी की सोच है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, इससे जो गरीब तबका है, ऐसा तबका है जो अभी भी वंचित है, उन लोगों को भी इस दायरे में ला करके और फिर उन्हें जो हक है या फिर जो स्कीम्स चल रही हैं। आशुतोष, लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर तो देखिए लगातार सियासत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का जो स्टैंड है वो क्लियर नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार निशाना साध रहे हैं इसको लेकर। नहीं, स्वाभाविक तौर पर, और तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिस मुद्दे पर वो नीतीश कुमार को घेर सकते हैं या फिर सरकार को घेर सकते हैं, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में बजट सत्र शुरू होने वाला है बिहार विधानमंडल का, और इस बजट सत्र में दोनों मुद्दे, कास्ट सेंसस का मुद्दा और स्पेशल स्टेटस का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। शुरुआत हो चुकी है, आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेजस्वी यादव ने अपनी भूमिका बता दी है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और बजट सत्र में आरजेडी किस रूप में सामने आएगी और किस किन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और मुझे लगता है कि बजट सत्र के दौरान ही जो सवाल सबके जहन में है कि क्या कास्ट सेंसस के लिए सर्वदलीय बैठक कब होगी, तो मुझे लगता है कि बजट सत्र के दौरान ही इन चीज़ों पर से पर्दा उठ पाएगा, क्योंकि अब बहुत ही कम 4 दिन बचे हुए हैं बजट सत्र के शुरू होने में। तो नीतीश कुमार की तरफ से या सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आ जाएगा कि कास्ट सेंसस को लेकर के सरकार की तरफ से आगे क्या प्रोविजन किए जाने हैं, और इसके लिए कुछ दिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आशुतोष, और इंतजार करना होगा, लेकिन सियासी रोटियां जरूर पकाई जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर।